श्रोमणी अकाली दल ने कई मीडिया अदारियां नूं लीगल नोटिस भेज दिता है। जी हाँ, यह मामला की है दसदे हां तुहानूं। प्रो पंजाब टीवी अते रोजाना स्पोक्समैन अखबार अते टीवी नूं यह नोटिस भेजा गया है। प्रकाश सिंह बादल बारे 11 पेंशनां लैण दा झूठा प्रचार करन दा इल्जाम ला के यह कार्रवाई की गई है। जी हाँ, आरटीआई नाल नत्थी करके मीडिया अदारियां तों जवाब तलब किया गया। चैनल अपनी गल जां तां साबित करके विखाण जां जनतक तौर ते माफ़ी मंगन। श्रोमणी अकाली दल वालों मांग की जा रही है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि प्रकाश सिंह बादल नूं पहली बार पेंशन मिलनी सी, जो उन्होंने लैण तों इनकार कर दिता सी। पर कई मीडिया अदारे जिहड़े कि लगातार है झूठा प्रचार कर रहे सी कि प्रकाश सिंह बादल बकायदा इन्नी पेंशन लैंदे रहे ने, इन्नी पेंशन वो लै रहे ने। इस गल नूं जां तां मीडिया अदारे साबित करके विखाण जां फिर जनतक तौर पर माफ़ी मंगन। इसे करके लीगल नोटिस श्रोमणी अकाली दल वालों भेजा गया। पूरा मामला जुड़िया है प्रकाश सिंह बादल दे नाल पेंशन का, जोड़ा मामला उसनों गलत ढंग के नाल प्रचारित किए जाने इल्जाम लगे ने इन्ह मीडिया अदारे ते। किहड़े किहड़े ने मीडिया अदारे तुहानू दस रहे हैं, दस दईए कि प्रो पंजाब इस दे नाल ही रोज़ाना स्पोक्समैन अखबार अते रोज़ाना स्पोक्समैन टीवी नू यह नोटिस जारी किया गया। प्रकाश सिंह बादल बारे 11 पेंशनां लैण दा झूठा प्रचार किया गया, इल्जाम लगे ने प्रो पंजाब टीवी ते, इल्जाम लगे ने रोज़ाना स्पोक्समैन ते। मीडिया अदारियां नू कहा जां तां अपनी गल साबित करके विखाओ, नहीं तां जनतक तौर पर माफ़ी मंगो। बकायदा तौर पर जिहड़ा लीगल नोटिस सर्व किया गया, आरटीआई की कॉपी नाल नत्थी की गई है कि आखिरकार सच्चाई की है। तुहानू दस दईए प्रकाश सिंह बादल इस बार उन्होंने ऐलान कर दिता सी कि वह पेंशन नहीं लैणगे। इस तो पहला लगातार विधायक बनते रहे, सो पेंशन लैण की नौबत तक नहीं आई। अज तक प्रकाश सिंह बादल ने कोई पेंशन नहीं ली। इस बार वो विधायक नहीं बने तो इस बार उन्होंने पहली बार पेंशन लैनी सी, पर इन्ह अदारियों के उपर इल्जाम लगे ने कि इन्ह अदारियों वालों झूठा पंडी प्रचार किया गया। प्रकाश सिंह बादल का नाम जोड़ के वार वार कमेंट्री की जा रही थी कि प्रकाश सिंह बादल लखां रुपयां दीआं पेंशनां लैंदे ने, यह इल्जाम लगाए गए ने प्रो पंजाब टीवी अते रोज़ाना स्पोक्समैन के उपर। जनतक तौर पर जां तां अदारे माफ़ी मंगन, नहीं तां अपनी गल साबित करके विखाण। श्रोमणी अकाली दल का वड्डा एक्शन तां तुसीं वेख पा रहे हो। जिहड़ी लीगल नोटिस जिहड़ा सर्व किया गया, जिहड़ा कानूनी नोटिस भेजा गया श्रोमणी अकाली दल वालों, इस दे नाल ही तुहानूं वो फेक न्यूज़ भी विखा रहे हैं, वो झूठी खबर भी विखा रहे हैं जिहड़ी कि इल्जाम लग रहा इन्ह अदारियां दे उपर फैलाउण दा। रोज़ाना स्पोक्समैन अते प्रो पंजाब टीवी दे उपर इल्जाम लग रहे ने कि प्रकाश सिंह बादल का नाम वरत के प्रकाश सिंह बादल का जिहड़ा पेंशन का मुद्दा है उसनों लैके झूठा पंडी प्रचार किया जा रहा सी। प्रेस लोकतंत्र का एक मजबूत थम है। लोकतंत्र दीआं कदरां कीमतां नूं जिंदा रखण दे विच प्रेस का एक अहम योगदान है। तो वीरो, आलोचना भी बहुत जरूरी है। श्रोमणी अकाली दल दे कीते कम्मां ते उहदी आलोचना करो, स्वागत है। साडे कुछ गलतियां ने उहनां ते साडी आलोचना करो, स्वागत है। पर जदों कुछ वैब चैनल अखबार किसी साजिश के तहत झूठा प्रोपेगंडा करते हैं, वह बर्दाश्त नहीं। लगातार रोज़ाना स्पोक्समैन का वैब टीवी ते अखबार होवे, प्रो पंजाब टीवी होवे, होर एक दो वैब चैनल ने, कुछ फेसबुक ते लाइव ने, जिहड़े लगातार एक झूठ प्रचार रहे ने कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नूं 11 पेंशनां मिलदियां सी, 5,75,000 दी अपने आप ही एक फिगर भी जारी करती। पर सच्चाई ये तो कोहां दूर है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल लंबे समय तो MLA चले आ रहे हैं। इस बार जो 2022 दीआं विधानसभा चोणां च बतौर MLA पंजाब की विधानसभा च नहीं पहुँचे तो पेंशन भी ऐतकी पहली बार मिलनी सी। पर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने लिखती पंजाब सरकार नूं कहा कि उन्हां दी जिहड़ी पेंशन है उहनूं लोक भलाई कम्मां लई वरत्या जावे, उन्होंने पेंशन नहीं लैनी। RTI का रिकॉर्ड है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने कदे कोई पेंशन नहीं ली। पर यह चैनलों वालों प्रचारे झूठ करके श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दे विच भारी रोस है। इसलिए हुण मन बनाया कि यह झूठे प्रचार का डट के विरोध करांगे, मुकाबला करांगे। इसलिए चैनलों नूं एक लीगल नोटिस भेज के इन्हां तों जवाब मंगया जा रहा है। सबूत नाल नत्थी ने कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने कदे कोई पेंशन नहीं ली। RTI की इनफॉर्मेशन भी ये ला के भेजी जा रही है। सो या तो हुण एक पब्लिक अपोलॉजी माफ़ी टेंडर कर दो कि गलती होगी। अगर एक साजिश के तहत झूठ प्रचारया जा रहा है, फिर हुण मन बना लिया वीरो कि इहदे खिलाफ डट के लड़ाई लड़ांगे। हुण ऐसे झूठ नूं लोकां दे विच बेनकाब करांगे जिहदा मकसद
सिर्फ ते सिर्फ श्रोमणी अकाली दल दे अक्स नूं ढा लैणा है। सच्चाई तो ये जिहड़ियां गल्लां ने ये कोहां दूर ने। तां श्रोमणी अकाली दल वल्लों नोटिस भेज दिता गया है किस ढंग दे नाल एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, इस दा डटवां विरोध श्रोमणी अकाली दल वल्लों किया गया। रोजाना स्पोक्समैन अते प्रो पंजाब टीवी नूं लीगल नोटिस सर्व किया गया, जां तां जनतक तौर ते माफ़ी मंगी जाए इस खबर नूं लैके, नहीं तां फिर इस दे सिट्टे भुगतण दे लई लीगल सिट्टे भुगतण दे लई तैयार रहन। ए अदारे श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों स्पष्ट कर दिता गया कि इस ढंग का झूठा भंडी प्रचार, इस ढंग की फेक न्यूज़ कदे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, तुहानू दस दईए प्रकाश सिंह बादल बारे 11 पेंशनां लैण दा झूठा प्रचार करन दे इल्जाम रोजाना स्पोक्समैन अते प्रो पंजाब टीवी ते लगे ने। इस नूं लैके लीगल नोटिस जारी कर दिता गया। तो इस खबर नूं लैके अर्शदीप कलेर एडवोकेट हन, वकील हन, साडे नाल गलबात करन दे लई फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। कलेर साहब स्वागत है तुहाडा पीटीसी न्यूज़ ते। किद्दां वेखदे हो पूरा मैटर, फेक न्यूज़ नूं लैके पूरे विश्व दे विच वड्डियां चिंतावां जताईयां जांदियां ने, पर यह जिहड़ा मसला हुण निकल के सामने आया है, इस मसले नूं किवें वेखदे हो तुसीं? जिहड़े अदारे ने उहनां नूं लीगल नोटिस हुण सर्व कीते गए ने, किवें वेखदे हो पूरा मसला? धन्नवाद जी। पहला मैं ये गल लोगों के माध्यम दे विच तुहाडे माध्यम राही रखना चाहना कि यह जिहड़ी एक पेंशनां दा जिहड़ा स्कूट प्रचार किया जा रहा है, दो तीन वैब चैनल लगातार कह रहे हैं प्रकाश सिंह बादल साहब नूं 11 पेंशनां मिलदियां सी जिहड़ियां हुण आम आदमी पार्टी की सरकार ने आके बंद कीतियां ने। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल लगातार 50 साल तो MLA चले आ रहे हैं, और जिहड़ा MLA हुंदा पहला तो रूल करने या तो चल रूल नहीं पढ़ते, जिहड़ा सिटिंग MLA हुंदा उहनूं पेंशन कोई मिलदी ही नहीं। 2022 दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब की विधानसभा दे विच नहीं पहुंचे सी, आवाज़ थोड़ी कट रही है इस वेले कलेर साहब, पर असी तुहाडा पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गलबात करन दे लई। तां श्रोमणी अकाली दल वल्लों स्पष्ट कर दिता गया कि अजिहा कूड़ प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे करके इन्हां अदारियां नूं लीगल नोटिस सर्व किए गए, लीगल नोटिस भेजे गए हैं। साडे नाल इसे खबर ते होर गलबात लई साडे नाल साडे सहयोगी रमन भी जुड़ चुके हैं। रमन, वाकई च किवें वेखदे हो सारा मसला? अक्सर असी वेखियां अजिहियां खबरां, क्योंकि सोशल मीडिया के उपर शायद किसी ढंग की रिस्ट्रिक्शन की जिस ढंग के नाल कमी है उस नूं लैके वेख्या जांदा है कि कई बार फेक न्यूज़ सर्कुलेट होंदियां, पर कई अदारे उस तो बाद माफ़ी मंगन नूं भी मजबूर होंदे ने। इस खबर नूं अज तुसीं किवें वेखदे हो ते की समझिया जा रहा इस केस दे विच अग्गे की होण दी संभावना? नियमित बिल्कुल जिहड़ी हैगी आ, कोई भी विधानसभा की कमेटी और विधानसभा का कानून अजिही इजाजत नहीं दिंदा कि कोई MLA भी मौजूदा हो उसनूं पिछली ताम की पेंशन भी मिले। सब तो पहला तो कानून ही अपने आप में एक चुने हुए MLA जो विधानसभा पहुंचता तो उसनूं पेंशन की इजाजत नहीं दिंदा। तो 11 बार लगातार लंबी तो प्रकाश सिंह बादल जीत के लगातार आए ने और अपने आप एक यूनिवर्सिटी ने गल गए सियासत की तो अजिही सरमौर शख्सियत के बारे जिन्हों तो बहुत सारे लीडर सिख के भी गए होंगे जेडे सिखते भी ने और उन्होंने बारे अजिहा कूड़ प्रचार करना और बिना तथ्यों तो बिना आधार तो और बिना किसी अजिहे लीगल डॉक्यूमेंट के कह देना कि 11 पेंशनां मिल रही थी। तो कितना कितने कह सकते हैं कि हदबंदी जी सोशल मीडिया से हैगी रिस्ट्रिक्शन की तुम गल की कोई नहीं है, अजिहिया चीजा से कोई लगाम नहीं हैगी। इसे करके जी फेक न्यूज़ बड़ी जल्दी जी सर्कुलेट होंगी है तो यही चलते हैं। प्रकाश सिंह बादल में एक सरमौर शख्सियत जे ने 5 बार मुख्यमंत्री रहे ने सूबे से, तो उन्होंने शख्सियत में जोड़े है सवाल उन्हें शख्सियत चुके गए हैं। ये चलते श्रोमणी अकाली दल वालों कहा गया कि राजनीति के शब्दावली जी है वो बर्दाश्त की है, पर किसी ने शख्सियत को बदनाम किया जाए यह गल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। खास तौर पर मीडिया अदारे जिन्हों का बहुत बड़ा योगदान हों किसी समाज में निरपक्षता के गल रखनी तो उन्होंने वालों अजिहा कदम करना बिना समझा जा सकता है कि हम इस मामले लैके जो भी अगे की कार्रवाई वेखन मिलेगी आने वाला समा दसेगा। बेहद शुक्रिया रमन सारी खबर।